कोरोना की वैक्सीन है वो पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, खास करके जो फ्री के डोजेज हैं वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। हो गया आज का योगा सेशन। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लोग जब आसन कर रहे थे तो इतना पसीना बह रहा था, पूरी टी शर्ट भीगी हुई है। पर जब प्राणायाम करते हैं एक मैजिकल चीज़ होती है कि सारा पसीना अपने आप धीरे धीरे गायब हो जाता है, शरीर में ठंडक सी पहुंचने लगती है। और इसको करने के लिए, इसको महसूस करने के लिए आपको पहले 1 घंटा पसीना बहाना होगा, फिर 15 मिनट जब आप प्राणायाम करेंगे तो ये जो मैजिकल इफ़ेक्ट है ये महसूस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है बहुत। चलिए तो आज काम बहुत है, आज हम लोग दिल्ली की तरफ निकलेंगे। मतलब हम लोग नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा, थोड़ा काम है बैंक में, तो बैंक जाना है। कोरोना से पहले यानी कि शायद अप्रैल में मैं गया था गुड़गांव अपने दोस्त के पास, दैट वाज इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो उसके बाद पूरा अप्रैल निकल गया, पूरा मई, अभी जून, तो जून में अब जा कर के घर से निकल कर के थोड़ी दूर जाएंगे, दिल्ली एंटर करेंगे। चलिए नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर चलो दिल्ली। नाश्ता कर लिया है, अब निकलते हैं बैंक के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा। पर कल फिर आना पड़ेगा यहाँ पर अपना चेक लेने के लिए। चला जाए वापस। हाँ, क्या सीट जो है मस्त कुनकुनी गर्म हो गई। सारे बैठे हुए हैं किसान यहाँ पे, सबकी भैया बैठे भी हैं कि नहीं बैठे हैं, खाली रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। आ गए वापस, बहुत गर्मी हो रही है, कल फिर जाना पड़ेगा बैंक क्योंकि चेक लेने के लिए कल फिर जाना होगा। शाम को बुलाया था पर शाम को जा नहीं सकते, तो कल जाएंगे। कपड़े चेंज करते हैं और पानी पीते हैं। ये हल्के बगल वाले बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं बाहर से आया उसके बाद इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रहा था कि मैंने आज भी क्लास कराई और उसके बाद बहुत सारा पानी पी के मैं थोड़ी देर सो गया। अभी थोड़ा सा आराम करने के बाद उठे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो खाना खाना ज़रूरी है, थोड़ा सा खा लेते हैं, वेट में कुछ रहेगा तो एनर्जी भी आएगी। तो बीन्स, आलू बीन्स की सब्ज़ी और कटहल की सब्ज़ी माई फेवरेट।
अभी समय हो चुका है चाय बनाने का। अभी भी जो कोरोना की वैक्सीन है वो पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, ख़ास करके जो फ्री के डोजेज हैं वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। जो पेड वर्जन है वो अवेलेबल हो रहा है। खैर, मोदी जी ने बोला है कि पूरी तरीके से वैक्सीनेशन फ्री होगा, तो पता नहीं इस वैक्सीनेशन को कब और कैसे फ्री सबके लिए इजीली अवेलेबल होगा। आई डोंट नो, क्योंकि जो स्लॉट्स हैं वो उसके लिए आपको बिल्कुल तत्काल रिजर्वेशन की तरह ही हमें करवाना पड़ रहा है। अपना सिस्टम और अपना जो वेबसाइट है, जो वैक्सीनेशन की वेबसाइट है, उसको बिल्कुल खोल के बैठे हैं एंड विद इन सेकेंड्स अगर आप उसको करते रहते हैं तभी शायद वो हो सकता है। तो थोड़ी सी मारामारी है इसमें ज़रूर, बट सी लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे दाना सा हो गया है। चलो जी, खैर चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं।